किया था जिसमें सभी चटाई से मेंबर लिए गए, कुल 6 चटाई हैं जिसमें 5 चटाई से 5-5 मेंबर और अंजुमन चटाई जो बड़ा चटाई है उसे 10। आप देख रहे हैं ऐसे गोलोक्सी से, और यहाँ जो है यहाँ पर जो है सदर नायब सदर और नायब सेक्रेटरी का जो है चुनाव किस तरीके से किया जा रहा है इसको आप लोग सिस्टम क्या रखे हैं इसको शुरू सिस्टम थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो अंजुमन फिलहाल मुसलमान का चुनाव किया गया, इस चुनाव में सदर और सेक्रेटरी का चुनाव तो पहले हो चुका है जिसका घोषणा 15 तारीख को हो चुका है। अब इसमें कमेटी की मुकम्मल तश्कील के लिए, कमेटी विस्तार के लिए आज बैठक किया गया था जिसमें सभी चटाई से मेंबर लिए गए, कुल 6 चटाई हैं जिसमें 5 चटाई से 5-5 मेंबर और अंजुमन चटाई जो बड़ा चटाई है उससे 10 मेंबर लिए गए, कुल 35 मेंबर अंजुमन के होंगे। इसी 35 मेंबर में से और जो 4 ओहदा है अंजुमन का, अंजुमन फलाह मुस्लिमीन सिसई का, जिसमें नायब सदर है, नायब सेक्रेटरी है, खजांची है और तर्जुमान प्रवक्ता है, ये चारों का चुनाव अभी होगा। हो गया चुनाव हो गया। इसमें तर्जुमान के लिए महमूद आलम अंसारी को चुना गया है जी। और आम राय से जी मैं खुद हूँ, ये आम राय से किया गया इसका चुनाव। और नायब सेक्रेटरी के लिए दो नाम आए थे, पहला नाम आया था मोहम्मद गफरुद्दीन साहब का जिसको कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, और फिर दूसरा नाम आया था मोहम्मद सऊद अंसारी का जी। तो सऊद अंसारी वो जो खुद नाम वापस ले लिए इसलिए एक ही उम्मीदवार बचे, और इस तरह से सऊद अंसारी को नायब सेक्रेटरी का चुनाव मुंतखब किए गए। अच्छा, नायब सेक्रेटरी के लिए मुंतखब किया गया। या और उसके बाद में खजांची जो होता है, जो अंजुमन का जो भी कुछ बहुत पैसा वैसा होता है उसको रखने के लिए खजांची के तौर पर ये ताहिर इमाम साहब को आम राय से चुना गया, उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं आए। अच्छा, इसलिए उन्हीं के बीच में इनका चुनाव किया गया। उनको ही मुंतखब किया गया जी। उनको भी नायब से सॉरी खाजिन के लिए ताहिर इमाम साहब का नाम, उनका चुनाव किया गया। और उसके बाद में नायब सदर के लिए दो नाम आए, इसमें से पहला नाम आया अशफाक अंसारी का और दूसरा नाम आया रहमान अंसारी का। इन दोनों को में किन्हीं ने नाम वापस ले लिया, दोनों अपने अपने जगह पर कायम रहे और इसके वजह से वोट का सहारा लेना पड़ा। वोट में ये तय किया गया बैठक में कि जो 35 मेंबर हैं तो 35 मेंबर ही वोट करेंगे। अच्छा, तो इसके लिए गुप्त मतदान का प्रक्रिया किया गया। नहीं, बाहर से नहीं, और ये मुत्तफे का फैसला हुआ कि इसके लिए वोट कराया जाए। तो 35 मेंबर में से कुल 33 मेंबर यहाँ मौजूद है, तो 33 मेंबर में से वोट कराया गया और उसमें से 18 वोट अशफाक अंसारी को मिले। अच्छा। और रहमान अंसारी को 13 वोट मिले, 15 वोट मिले, सॉरी रहमान अंसारी को 15 वोट और अशफाक अंसारी को 18 वोट मिले। इस तरह से 33 वोट जो आए थे, 33 वोट सभी वैध वोट हैं, कोई भी वोट बेकार नहीं गया, बेकार नहीं गया। और इस तरह से गिनती हुआ तो 3 वोट से अशफाक अंसारी नायब सदर के लिए मुंतखब हुए। और अंजुमन का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, अंजुमन का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। इसमें कुल अंजुमन फलाह मुस्लिमीन के टीम में कुल 37 आदमी होंगे, 37 आदमी होंगे जिसमें 6 एक तरह से ओहदेदार हैं। हाँ? इसमें सदर साहब हैं। हाँ? सेक्रेटरी साहब हैं। हाँ, सर, नाम सदर, सर, सदर साहब के लिए सदर साहब है हाजी सलमान अली साहब हैं। सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद शमसामुल हक साहब, ये तो पहले भी वोट के जरिए चुनाव हुआ था। नायब सदर के लिए अशफाक अंसारी, अशफाक अंसारी ये है, और नायब सेक्रेटरी के लिए ये सऊद अंसारी हैं, सऊद अंसारी जी हुए, और खजांची के लिए हमारे ताहिर इमाम भाई हैं, ताहिर इमाम भाई, और प्रवक्ता जो मैं खुद हूँ, 6। ये इस तरह से 6 लोग हुए। हाँ? तो कुल 37 आदमी के टीम में 6 आदमी हो गए आपका, ये तो कुल 28 आदमी मेंबर हुए। अच्छा, मेंबर 28 जो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, ये कार्यकारिणी समिति के मेंबर होंगे, ये 28 आदमी जी। तो कोई भी डिसीजन होगा तो इन्हीं के टीम के बीच में किया जाएगा। और सर, मैं एक छोटा सा बात, ये इंटरव्यू लेने का या आप लोगों के सामने पेश करने का कोई मकसद नहीं है, इसमें लॉजिक ये है कि आप जो है किसी भी वक्त ऐसे ब्लॉग पर जाके देख सकते हैं कि हमारा अंजुमन का जो है
स्ट्रक्चर किस तरह जो है मुंतखब किया गया है और फैसला के लिए जो है कितना आवाम मौजूद रहेंगे और किस तरह फैसला होगा, ये सारा चीज़ जो है आप ऐसे वो लोग पर जा कर देख सकते हैं और ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, जिसके चलते सबको जो है विजिट किया गया। तो सर ये अंजुमन पूरा कंप्लीट हो गया? बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो गया है ना। आपसे इसका अंजुमन का प्रक्रिया ये चुनाव का सबका इससे परे पूरा हो गया साहब? अब चुनाव प्रक्रिया आज के तारीख में अंजुमन फलाह मुसलमीन का चुनाव मुकम्मल हो चुका है। अब कमेटी अपने हिसाब से जो बेहतर होगे समाज के लिए, जहाँ जहाँ कोई भी काम होगा उस पर काम करेगी तो सर ये 3 सालों के लिए पूरा मुकम्मल है? ये चुनाव 3 साल के लिए है पूरा मुकम्मल और ये मार्च ये है 2023 है तो 24, 25, 26 ये 26 के बाद फिर से यही प्रक्रिया को दोहराया के तहत में फिर अंजुमन फलाह मुसलमीन का चुनाव किया जाना और इसी तरह स्ट्रक्चर को जो एक बार बन गया इसको जो है फिर से लागू करने के लिए फिर से आपसे जो है आपसे जब पर्सनल आप लोगों से जितने भी अहदेदार हैं इनसे जो है ये अंजुमन के बाद में पर्सनल बात किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ एक बात तकलीफ देना चाहता हूँ आप लोगों को कि सर ये अंजुमन का जहाँ भी किसी भी तरह का बाहर से या किसी भी तरह से आपको अगर फैसला करने का अंजुमन में दरखास्त दिया जाता है गांव देहात से तो ये बड़ा अंजुमन गाँव में इंटरफेयर करेगा नहीं करेगा? देखिए अंजुमन मुस्लिम समाज का एक सामाजिक संगठन, इस सामाजिक संगठन में मुस्लिम समाज के माशरे के अंदर की जो भी कमी बेसी होती है उस पर नज़र रखती है ये कमेटी। अब इसमें कहीं पर कोई मसला पेश आ जाता है तो जो लोग गांव देहात के लोग हैं वो अपने हिसाब से उसका डिसीजन लेते हैं। अगर इन केस किसी वजह से वहां पर डिसीजन नहीं हो पाया, गतिरोध कायम हो गया या दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो गया जिससे कि फैसला नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग जो पुरानी परंपरा रही है तो उसके मुताबिक बड़ा अंजुमन में अपनी बात को रखते हैं तो यहाँ से उसके बारे में जो मुनासिब होता है उन लोगों को सलाह दी जाती है और उसको अपने अपने जगह पर रहने के लिए कि भाई ये हक है ये ना हक है इसका डिसीजन जजमेंट दिया जाता है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारा सीसे अंजुमन फलाह मुसलमीन का जो अंजुमन का स्ट्रक्चर जो मजबूत तरीके से बनाया गया है इसको जो है आप लोग भी मद्देनजर रखते हुए देखिए और गांव देहात में जो भी छोटा से छोटा केस हो चाहे छोटा से छोटा मामला हो आप लोग खुद ही फैसला करके आपस में जो है तफरका पैदा करके और थाना तक ले जाने की प्रयास ना करें, बल्कि ये अंजुमन काफ़ी मजबूत तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है इसलिए जो है बड़ा अंजुमन के साथ लेने के प्रयास करें आप लोग और जब भी आप आए 12 बजे रात को भी अंजुमन आपका सेवा के लिए हाजिर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बस मैं अपना वीडियो का अंत करना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए थैंक यू।